जमीनी विवाद में भतीजे ने ईंट से मारकर चाचा की हत्या कर दी। 6 लोगों के खिलाफ जैनपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज, 2 लोगों को पुलिस ने उठाया। आपको बता दें कि आजमगढ़ जिले के जैनपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के बैरमा गांव में जमीन के विवाद को लेकर शुक्रवार की रात भतीजे ने अपने चाचा को ईंट से मारकर हत्या कर दी। इस मामले में मृतक के परिवार ने 6 लोगों के खिलाफ मारपीट और हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। मिली जानकारी के अनुसार बैरमा गांव निवासी राम बच्चन राम पुत्र स्वर्गीय रामदेव उर्व 67 साल का जमीन को लेकर विवाद कई सालों से चल रहा था, जिसको लेकर कई बार कहा सुनी भी हो चुकी है। आपको बता दें कि शुक्रवार की रात को किसी बात को लेकर फिर विवाद होने लगा और मारपीट में तब्दील हो गया। मारपीट के दौरान राम बच्चन के भाई का लड़का तीर्थ राज पुत्र चंद्रभान उम्र 35 साल ने इसी दौरान ईंट से राम बच्चन के सर पर प्रहार कर दिया, जिसमें उनकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। वही मारपीट और हत्या की सूचना जैसे ही जैनपुर पुलिस को मिली, मौके पर पहुंचकर मृतक व्यक्ति के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। इस मामले में मृतक के परिवार के लोगों ने आरोपी सहित कुल 6 लोगों के खिलाफ मारपीट और हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। तो वही जैनपुर पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। जैनपुर कोतवाल नंद कुमार तिवारी ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। कल हम लोग अंदर ही बैठे थे अपना, हम लोग हमारा मेरी माँ 10 दिन पहले मरी है, उसी का प्रोग्राम था तो उसी का हम अपना डिस्कस कर रहे थे कल कैसे कैसे होगा। इसके बाद हम लोग बातें ही कर रहे थे, वो पी के आया और आके ही यहाँ से ईंटा चलाया कि ना मैं तेरे को जिंदा छोड़ूंगा ना तेरा काम होगा। हारून उर्फ तीर्थ राज और क्या नाम है, सोचन राम, अरविंद, राजू, आकाश, ये सारे मिलके कल पापा को मारे हैं और ईंटा पत्थर चलाए हैं। इनसे विवाद था पहले भी, 2012 से चल रहा था, 2012 में भी मारे थे और तब से मेरी माँ का बांह भी तोड़ दिए थे और मेरी माँ कल मर गई, 10 दिन पहले मेरी माँ मरी है, उसी का कार्यक्रम था। उन्हीं सब पांचों ने मिलकर मेरी माँ को भी मारा और मेरे बाप को भी मारा कल, पत्थर ईंटा चलाए हैं सब। उनका विवाद था, ये सोच रहे थे कि इनका सारा जमीन जायदाद हम हड़प लें, इन दोनों को मार के हड़प लें, इनके बेटी दामाद को ना यहाँ रहने दें। और कल से ही धमकी दे रहे हैं, हमारे घर में घुस घुस के आ रहे हैं सब मारने, ये आकाश घर में है, ये आ रहा है हमेशा मारने के लिए, मेरी बेटियों का कपड़े फाड़ने के लिए आ रहा है। हम लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, ताला बंद करके रह रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि जैसे हमारा बाप गया, हमारी माँ गई, वैसे ये पूरा परिवार जाए, इनको उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। कल शाम थाना जीएनपुर के बैरम गांव में 2 पक्षों में आपस में धक्का मुक्की हो गई थी, जिसमें एक वृद्ध की डेथ हो गई थी। इस संबंध में उनकी तहरीर पर मुकदमा लिखा गया है, जिसमें 4 अभियुक्तों के खिलाफ धारा 304 का मुकदमा लिखा गया है। इसमें तत्काल हॉस्पिटल में ले जाया गया था और हॉस्पिटल में डॉक्टर द्वारा बताया गया कि इनकी प्रथम दृष्टा देखने पर इनकी हार्ट अटैक से मौत हुई है। इसमें 2-4 नामजद अभियुक्तों में से 2 अभियुक्त हिरासत में लिए गए, उनसे पूछताछ की जा रही है और शेष पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगी उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।